ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्रावण का पावन महीना आ गया है और इस समय रुद्राभिषेक की विशेष महत्ता बताई गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के श्रीमुख से ये ज्ञान मिला माता पार्वती को बताते हुए? वो कहते हैं कि किस वस्तु से रुद्राभिषेक करते समय किस पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वही चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ कि रुद्राभिषेक अलग अलग पदार्थों से किया जाता है और अलग अलग उद्देश्य सबके होते हैं, लेकिन कुल मिला के श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का अखंड पुण्य बताया गया है और ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है। इसको करने से सभी कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न वस्तुओं के द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस वस्तु से रुद्राभिषेक करने का क्या फल है। मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको आने वाले समय में मिल सके। मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 15 जुलाई तक ऑफर चल रहा है और मात्र 1100 रुपये में आपको एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद ये लाभ नहीं मिल सकेगा, तो शीघ्र आप परामर्श लीजिए। आइए अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ और बताती हूँ रुद्राभिषेक की महिमा के बारे में, जो विभिन्न पदार्थों से रुद्राभिषेक करने का क्या फल इंसान को मिलता है। जो मनुष्य कुछ ना कर सके तो सिर्फ जल से ही रुद्राभिषेक करे तो उसके जीवन में सभी सुख विद्यमान होने लगते हैं। दही से रुद्राभिषेक करने वाले के घर में धन धान्य भरे रहते हैं और पशुओं का सुख और उसके जो गौधन है उनमें सुख समृद्धि बनी रहती है, मतलब उनका वास उसके घर में स्थायी रूप से होता है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य गन्ने के रस से शिव जी का रुद्राभिषेक करता है उस मनुष्य के घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होता है। इसके अतिरिक्त घी, शहद या तीर्थों के जल के द्वारा भी अभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने वाले के घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास होता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए तीर्थों के जल और दुग्ध मिश्रित धारा से जो मनुष्य भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है उसके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे होते हैं, उसकी मनोकामना की भी पूर्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि वंध्या, काकवंध्या, मृतवत्सा, इस तरह की जो लोग होते हैं, स्त्रियां होती हैं जिनको ये समस्या रहती है, वो भी यदि शिव जी का रुद्राभिषेक दुग्ध धारा से करें तो उनकी समस्या दूर होती है और ऐसा कहा गया है कि उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन मेडिकल जांच भी उनकी सही होना जरूरी है। रुद्राभिषेक करने से भगवान रुद्र के का इतना प्रभाव जातक पर पड़ता है कि उनकी कृपा से यदि किसी का घर का कोई मनुष्य जेल में भी बंद है तो ऐसा कहा गया है कि कारागार का में बंद हुआ बंदी भी छूट जाता है यदि रुद्राभिषेक ऐसा मनुष्य कराए। लेकिन ऐसे मनुष्य का सही होना भी आवश्यक है। मित्रों, जिन लोगों में भय व्याप्त होता है, जो लोग तरह तरह से परेशान हैं, त्रासदी से युक्त हैं, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स भी रुद्राभिषेक करने से दूर होती है। शास्त्रों में तो इसकी महत्ता इतनी अधिक बताई गई है कि मूर्ख मनुष्य भी यदि रुद्राभिषेक करता है तो वो भी अत्यंत विद्वान बन जाता है। गरीब आदमी के घर में कुबेर जैसे धन वैभव व्याप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। कुल मिला के शिव कृपा जिस मनुष्य पर हो गई उसका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, धन्य हो जाता है। तो रुद्राभिषेक की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है। जिस मनुष्य को सम्मान नहीं मिल रहा हो ऐसे मनुष्य को हर जगह सम्मान मिलने लग जाता है। रुद्राभिषेक की इतनी महत्ता है। लेकिन इसमें एक और आवश्यक बात है कि जो भी यजमान होता है, जो रुद्राभिषेक किसी भी ब्राह्मण देवता से करवा रहे हैं, उनको कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण देवता को भी प्रसन्न करें और उनको इतनी दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार देवें कि वो आपको अपना आशीर्वाद देवें। उनको भूमि का दान, गौ दान, स्वर्ण दान देना बहुत ही उत्तम माना गया है। रुद्राभिषेक कराने वाले मनुष्य को कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा गया, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पूरे मनोयोग पूर्वक होना चाहिए। उसमें पैसों की बचत कि ब्राह्मण देवता को हल्के वस्त्र दे दिए या अन्य चीज़ें हल्की रख ली तो पूर्ण महत्व का आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इसकी पूर्णता के लिए, संपूर्ण फल के लिए मन में अच्छे भावों का उद्गम होना जरूरी है। कंजूसी से मतलब है कि आप उसमें दिमाग ना लगाएं कि इतना खर्चा हो जाएगा, उतना खर्चा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पंडित जी कम में कराओ, ये बहुत ही गलत है। या तो आप करा रहे हो तो पूर्ण श्रद्धा से कराओ आपका, तभी आपका मनोरथ सिद्ध होगा। और ब्राह्मण देवता की प्रसन्नता के लिए उनको वस्त्र दान भी अवश्य ही करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद, उनके जुबान से निकले शब्द भी बहुत वर्क करते हैं।
तो इस प्रकार बहुत ही प्रसन्नचित होकर, उल्लसित होकर और बहुत ही सम्मान पूर्वक आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने के पीछे अच्छी भावना काम करनी चाहिए। इसका पूर्ण फल मिलता है और इसका महाप्रताप मैंने आपको बताया कि जो भी मनुष्य रुद्राभिषेक कराता है वो सामान्य जल से भी, अगर जल धारा से भी कर रहा है तो भी उसके भगवान शिव इतना सुख देते हैं कि अंततः वो सारे सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है।